नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई बुधवार सुबह 5:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को श्यामनगर थाने के ASI लक्ष्मी नारायण मीना को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ASI ने परिवादी से राजकार्य के मुकदमे में से राहत देने की एवज में 15,000 रुपए की मांग की थी। इसमें से ASI सत्यापन के मौके पर 5,000 रुपए पहले ले चुका था। रिश्वत की शेष रकम मंगलवार जैसे ही परिवादी ने ASI को दी, वैसे ही ACB ने आरोपी को दबोच लिया। ACB के एडिशनल SP संजीव नैन के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ACB अधिकारियों ने बताया कि ASI लक्ष्मी नारायण मीना को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और वहीं मामले में थाना प्रभारी संतरा मीना की भी भूमिका संदिग्ध लग रही है। अब ACB संतरा मीना की भी भूमिका की जांच कर रही है। इसके साथ ही ACB की टीम ने अन्य कार्रवाई में पोक्सो कोर्ट के लिपिक कमलेश मीना को भी 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जयपुर जिले में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विराटनगर की ज्ञानचंद सैनी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 13 साल की पीड़िता के साथ 27 सितंबर 2017 को यह घटना हुई थी। पुलिस ने पीड़िता को 14 दिन बाद विश्वकर्मा इलाके से बरामद किया था। SPP विजय पारिक ने इस मामले में 15 गवाहों के बयान करवाए। जज दलीप सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 2,00,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। उदयपुर जिले के ब्राह्मणों का इलाके में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि दमकलों की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग किस कारण से लगी है इसका अभी पता नहीं लग पाया है। जयपुर जिले की मोहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहाना मंडी में फर्जी व्यापारी बन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 बोरी आलू और पिकअप को बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने 2 फैसले सुनाए। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में 11 जनवरी 2019 को हुई दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी महुदी फला निवासी दिनेश को 10 साल की जेल और 16,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं धम्बोला थाना क्षेत्र के 14 जुलाई 2019 में दर्ज छेड़छाड़ के मामले में आरोपी छलाप निवासी भूपेंद्र को 5 साल की जेल और 6,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 2 IAS और 12 RAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। क्रामिक विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। पदोन्नति के बाद इनको अब एक नया पदस्थापन दिया गया है। जयपुर के चोमू में सहायक कलेक्टर मुख्यालय के पद पर राजेंद्र सिंह शेखावत द्वितीय को नया पदस्थापन मिला है। APO चल रही RAS अधिकारी मीनू वर्मा को बीकानेर उत्तर में उपखंड अधिकारी लगाया गया है। इसी प्रकार IAS श्रेया चौहान को SDO, बयावर और अवधेश मीना को SDO अजमेर लगाया गया है। वहीं RAS महावीर सिंह जोधा को SDO, शिव भवानी सिंह को SDO, गडरा रोड ओम प्रकाश को SDO और भीनमाल दिनेश कुमार मीना को आयुक्त 12 नगर परिषद, अंशुल अमेरिया को SDO, बदनौर शंकुतला को SDO मलसीसर लगाया गया है। पदोन्नति के बाद मुकुट सिंह को SDO, किशनगढ़ बास सुरेंद्र प्रकाश शर्मा को सहायक कलेक्टर कोटा, राजेंद्र प्रसाद को सहायक कलेक्टर दिगोद, वेद प्रकाश को सहायक कलेक्टर श्रीगंगानगर लगाया गया है। राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार को सत्ता से संगठन में प्रवेश कर जाएंगे। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा पदभार ग्रहण करेंगे। सचिन पायलट को PCC चीफ पद से बर्खास्त किए जाने के बाद डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर की कमान सौंपी गई थी। कांग्रेस ने डोटासरा को जाट कार्ड खेला है। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, प्रभारी अविनाश पांडे, पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहेगी। पायलट के अलावा अन्य पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आमंत्रित किए गए हैं। लगातार बढ़ रही पढ़ाई के बोझ में प्रतिस्पर्धा की होड़ ने विद्यार्थी वर्ग को इस हद तक तनावग्रस्त कर दिया है कि वह लोग मानसिक परेशानी के चलते अपने प्राणों से हाथ धो रहे हैं। इसी क्रम में अबोहर पंजाब के गांव मौजगढ़ निवासी 17 वर्षीय +2 की छात्रा मोनिका ने मानसिक दबाव के चलते बीती शाम को घर में ही फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली।
पुलिस चौकी कलदरखेड़ा के इंचार्ज बलवीर सिंह ने बताया कि मृतक युवती के परिजनों के बयान पर धारा 174 की कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने पर समाजसेवी संस्था नरसेवा नारायण सेवा के सदस्यों के सहयोग से मृतक युवती का शव सिविल अस्पताल अबोहर की मोर्चरी में रखवाया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने परिणाम जारी किया। इस वर्ष भी 10वीं कक्षा की परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी है। 10वीं की परीक्षा में कुल 11,52,201 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी, जिनमें से 9,29,045 स्टूडेंट्स पास हुए। इस वर्ष 10वीं का परीक्षा परिणाम 80.63% रहा। छात्रों का परीक्षा परिणाम 78.99% रहा, जबकि छात्राओं का परीक्षा परिणाम 81.41% रहा। जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर थाना प्रभारी गयासुद्दीन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पिछले कई दिनों से इलाके में इन्होंने आतंक फैला रखा था। आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक और ई रिक्शा बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने वाहन चोरी की कई अन्य वारदातों का भी कबूल करना किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।